हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक रेडियो जो पहले चलता था रेडियो, वो बनने के लिए आया है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ कस्टमर का कहना है ये चालू नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले देखें इसको खोलते हैं। चलिए, हमने इसको कवर हटा लिया है। कवर हटाने के बाद ये देखिए, पहले से ही बोल्ट सही से लगा नहीं है, बैटरी हम निकल नहीं है। बोल्ट कम ही लगे हुए हैं, शायद लगता है एक ही बोल्ट लगा हुआ है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, हमने बोल्ट खोल लिया इसको। ये देखिए, यहाँ पे वायर भी छूटा हुआ है, बैटरी का भी वायर छूटा हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम का भी वायर टूटा हुआ है। और ये वॉल्यूम का भी सभी वायर टूटा हुआ है। तो चलिए इसको पहले मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। सॉरी दोस्तों, पंखा चल रहा था इसलिए आवाज़ ज़्यादा आ रहा था, मैंने पंखा को फैन को बंद कर दिया है। अब इसको हम देख लेंगे ये सब। ये देखिए, इधर भी सब टूटा हुआ है, और ये भी सब, इसको वायरिंग करेंगे हम। चलिए, इसका जो बोर्ड है, मेन बोर्ड है जो रेडियो का, इसमें रेडियो में होता कुछ नहीं, एक मेन बोर्ड होता है, ये गैंग इसको बोलते हैं। और यह देख सकते हैं स्पीकर लगा हुआ है, 4 इंच का स्पीकर होता है, इसमें FM और पटना दरभंगा जैसे पकड़ता है। एक और बोल्ट पड़ा हुआ है इसमें, देखिए एक बोल्ट और खोल लेते हैं हम। देखिए कुछ इस प्रकार से है इसका, देख सकते हैं मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो रेडियो का वायर भी सब टूटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम वायरिंग करने वाले हैं। ये वायर कैसे, ये वॉल्यूम का वायर देखिए, एक तो ये वाला वायर लगेगा इसमें, ये इसका वायर उठा है। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम होता है ऑन ऑफ रेडियो करने के लिए, तो ये बहुत लूज था, इसके कारण ये लूज होने के कारण भी वायर टूट गया सब। तो इसको, ये बोल्ट वाला जो देख रहा है, इसको ऊपर वाला बोल्ट मैंने प्लायर से अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। पीछे से आपको एक वॉल्यूम पकड़ लेना है, पीछे से एक हाथ से, तो इसको अच्छे से ऐसे घुमा के टाइट कर देना है। तो ये इस प्रकार से मैंने टाइट कर दिया इसको। तो चलिए, ये हमारा हो गया। इसका जो नोब मैंने निकाला था, ये वापस लगा देते हैं इसमें। ये देखिए, अब ये चालू बंद करने में अब देखिए आसानी है, अभी चालू बंद आराम से कर सकता है। तो चलिए, इसका वायरिंग जो है, ये हम वायरिंग करने वाले हैं। तो ये जो बैटरी का जो होता है ये स्प्रिंग, इसको माइनस बोलते हैं, तो माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये वॉल्यूम का देखिए, इस लेग पे चला जाएगा माइनस वाला। ये वाला वायर यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। तीसरा वाला भी टूटा हुआ है, इसको भी दोबारा सेटिंग कर देते हैं। दोस्तों, अगर कुछ कमेंट में पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं आप, उसमें हम बता देंगे आपको। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, शेयर भी करना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों चलिए, ये हमारा लगभग वायरिंग हो गया है। अब इसमें हम बैटरी लगाएंगे, इसको चालू करके देखेंगे कैसा क्या चलता है। और इसका ये देख सकते हैं, यहाँ से भी वायरिंग टूटा हुआ है, तो इसको भी वायर हमें लगाना पड़ेगा।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉइल भी टूटा हुआ है। ये इसका काम क्या होता है, पटना दरभंगा जो FM होता है शॉर्ट बजता है, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से ये टूट गया हुआ, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ये लगभग काम करने लग जाएगा। और ये सोल्डिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले घिसना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक कॉइल के ऊपर कलर होता है, कलर पे सोल्डिंग नहीं होगा और काम भी सही से नहीं करेगा। तो चलिए ये हमारा लगभग हो गया है, अब इसको हम सेट करेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपको भी इसी तरह से बैठा लेना है, और ये बैठा लेना है आपको भी इसी तरह से। और यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे हम पहले देख लेंगे कि ये हमारा जो आगे वाला जो मीटर होता है जिससे हम पकड़ाते हैं वो हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चलिए लगभग हमारा सही काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब स्क्रू लगा देंगे हम, जो मैंने बोर्ड से स्क्रू निकाला था। तो सबसे पहले हमको स्क्रू लगा लेना है, तो चलिए हम पहले दोनों का स्क्रू लगा लेते हैं। तो ये जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें वायरिंग करने के बाद हम इसमें बैटरी लगाएंगे और फिर हम देखेंगे इसको। अगर आपका पटना दरभंगा शॉर्ट नहीं बज रहा है तो भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए। चलिए हम इसको बैटरी लगा के और ये चालू करके देखते हैं। तो ये चालू नहीं हुआ, अब देखना पड़ेगा क्यों नहीं चालू हो रहा। तो बैटरी हमारा लूज था तो बैटरी के कारण नहीं चालू हो रहा था, देखिए हमारा काम कर रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा ये रेडियो बनके रेडी हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।